हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है क्लास 11th मैथ में, जहां पर हम लोग चैप्टर 1 दैट इज सेट्स कर रहे हैं। हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज चल रही है। हमने प्रीवियस सेशन में क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 डन किया था, तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में, ए एंड बी आर टू सेट्स, ए और बी दो सेट दिए हुए हैं। तो हमें प्रूव करना है कि जो सेट ए है उसे हम लोग ए इंटरसेक्शन बी और इसका यूनियन ए माइनस बी के इक्वल होता है, ये हमें प्रूव करना है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग राइट साइड यहाँ पर पिक कर लेंगे, आर एच एस, और आर एच एस में ए इंटरसेक्शन बी और इसका यूनियन ए माइनस बी के इक्वल गिवन है। चलिए, ओके। सबसे पहले तो ए माइनस बी का एक फॉर्मूला होता है, वो हम लोगों को याद होना चाहिए। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको नहीं याद तो इसको याद करिए। ए माइनस बी का मतलब होता है ए का बी के कॉम्प्लीमेंट से इंटरसेक्शन। जब आप ए और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन करोगे तो आपको सिर्फ वही एलिमेंट मिलेंगे जो सेट ए में तो आ रहे हैं लेकिन बी में नहीं आ रहे। तो यानी कि ए माइनस बी को ए इंटरसेक्शन बी डैश लिख सकते हैं। तो हम लोग यही फॉर्मूला पहले स्टेप में यूज करेंगे, ए इंटरसेक्शन विद बी डैश। लो जी, पहला स्टेप हम लोगों का डन हो गया। आफ्टर दैट अब करेंगे हम लोग नेक्स्ट स्टेप की बात। चलिए, यहाँ पर एक यूनियन फंक्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर मुझे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाना है। मैं यहाँ पे पहले आपको लिख के देता हूँ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और ये लॉ कहाँ पे लगाएंगे, यूनियन का डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे किसके ऊपर, इंटरसेक्शन के ऊपर। तो यूनियन का हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेशन कर देंगे इंटरसेक्शन के ऊपर। इसका मतलब क्या है, बहुत ही टेढ़ी सी लाइन लिखी है कि अगर सपोज करो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी हो, तीन सेट हो गए ए बी सी, और ए का जो यूनियन है वो बी इंटरसेक्शन सी के ऊपर हो, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ए का बी के साथ यूनियन कर दो और ए का सी के साथ भी यूनियन कर दो और इन दोनों का इंटरसेक्शन। समझने में अब यहाँ पे क्या चीज़ है, मेरे पास ए बी सी तो नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन अगर मैं इसको ए बी सी की फॉर्म में लिखूँ तो कैसे लिखूँगा, उसकी बजाय मैं क्या करता हूँ, इसी फॉर्मूले को एक सिंपल वे में लिख लेता हूँ, वन का यूनियन टू इंटरसेक्शन थ्री के साथ, वन यूनियन टू इंटरसेक्शन वन यूनियन थ्री। देखिए, मैंने ए बी सी को 1, 2, 3 नाम दे दिया है। इससे क्या होता है कि यहाँ पे देखिए, जैसे कि ए इंटरसेक्शन बी है, ये किसकी जगह पे आ रहा है, ये ए की जगह पे आ रहा है। तो अगर आप ऐसे फॉर्मूला याद रखेंगे और अप्लाई करेंगे तो चांसेस हैं कि मिस्टेक हो जाए, लेकिन अगर मैं 1, 2, 3 की टर्म्स में याद कर लूँगा तो मिस्टेक होने का चांस बहुत कम हो जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंगली ये मेरा 1 हो गया, ए मेरा 2 हो गया और बी डैश मेरा 3 हो गया। ए इंटरसेक्शन बी को मैंने कंप्लीट 1 सेट अज्यूम कर लिया ताकि मैं ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर सकूँ। चलिए करके देखते हैं। तो फॉर्मूला के हिसाब से 1 यूनियन 2 आना चाहिए पहले। तो 1 मतलब ए का इंटरसेक्शन बी यूनियन, इसको ब्रैकेट लगा दो, यूनियन 2, 2 मतलब ए। तो ये तो हो गया आपका पहला ब्रैकेट। उसके बाद इंटरसेक्शन 1, 1 की जगह पर ए इंटरसेक्शन बी, फिर आ गया यूनियन 3 और 3 की जगह पर है बी डैश, और ये ब्रैकेट क्लोज कर दी, है ना। इसी 1, 2, 3 की टर्म्स में लिख लेते हो तो आपका कंफ्यूजन भी कम हो जाएगा और आपका गलत भी नहीं होगा। अब यहाँ पे जनरल वे में समझिए, ए इंटरसेक्शन बी,
अगर आपने वेन डायग्राम किए हैं तो वेन डायग्राम से समझना और भी आसान हो जाएगा। ए और बी एंड दिस इज यूनिवर्सल्स हैं, जिसको रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। ए और बी का इंटरसेक्शन मतलब ये वाला पार्ट हो गया, दिस इज ए इंटरसेक्शन बी, वो एलिमेंट जो ए और बी दोनों में आ रहे हैं, इसका यूनियन ए के साथ देखना है। तो इसका मतलब है ए इंटरसेक्शन बी आपके पास एक स्मॉलर सेट हो गया, अगर हम लोग इस कंडीशन को माने, और ए हमारे पास एक लार्जर सेट हो गया। तो हमेशा याद रखिए, जब भी एक छोटा सेट होता है और एक बड़ा सेट होता है, एक मेरे पास स्मॉल सेट है और एक मेरे पास लार्जर सेट है, तो उसका यूनियन हमेशा एक बड़ा सेट होगा, यानी कि लार्जर। तो इसका मतलब है ए इंटरसेक्शन बी और ए में ए जो है वो एक बड़ा सेट है, तो इसको अपन क्या लिख लेंगे, ए लिख लेंगे। डन हो गया ये मेरा इंटरसेक्शन, सेम टू सेम। अब अपन दोबारा फिर से यूनियन लॉ लगाएंगे, और उसको लगाने के लिए मैं क्या करूँगा, पहले मैं बी डैश को लिख लेता हूँ और फिर ए इंटरसेक्शन बी लिख लेता हूँ। लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने बी डैश आगे लिख दिया, ए इंटरसेक्शन बी बाद में लिख दिया, बीच में जो यूनियन का सिंबल है वो सेम टू सेम रखा है, कोई गड़बड़ नहीं, आप कर सकते हो किसी भी सेट के लिए, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब देखिए, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का मतलब क्या है, आप 1, 2, 3 से ही देखिए, 1, 2 एंड 3, 1 यूनियन 2, 1 मतलब बी डैश, यूनियन 2 मतलब ए, ये हो गया हमारे पास, और बड़ी ब्रैकेट लगा देंगे। फिर इंटरसेक्शन 1 यूनियन 3, 1 मतलब बी डैश, यूनियन मतलब यूनियन, और सी 3 मतलब बी हो गया। तो देखो 1, 2, 3 के मेथड से बिल्कुल भी गलत नहीं होता है, बिल्कुल आसानी से कहानियां चलती हैं। ए ओके, अब बी डैश यूनियन ए। अब यहाँ पे देखिए, हमारे पास ए सेट कौन सा है, हमारे पास ए सेट ये वाला सर्कल है जो आपके सामने बना हुआ है, एंड बी डैश क्या होगा, बी को छोड़ के, यानी कि ये वाला हिस्सा होगा, ये वाली चीज, ठीक है। तो ए हो गया ये वाला पार्ट, दिस इज। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसके लिए कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है या कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला हमारे पास तैयार नहीं है, तो इसमें हम लोग कोई चेंज नहीं करेंगे। तो इसको आप लोग बी डैश यूनियन ए एज इट इज रखें। बी डैश, अब नीचे डायग्राम बना लेते हैं, ये हो गया सेट ए, ये हो गया सेट बी। अगर ये सर्कल बी है तो बी डैश क्या होगा, ये वाला पार्ट, बी को छोड़ के, बी को छोड़ के सारे एलिमेंट बी डैश का पार्ट है। तो जब आप बी और बी डैश को इकट्ठा कर दोगे तो फिर क्या आ जाता है, यूनिवर्सल सेट आ जाएगा यू। इसका मतलब क्या हो गया, जब भी आपके पास एक सेट आता है, ये प्रॉपर्टी भी थी, और अगर आप उसका यूनियन उसके कॉम्प्लीमेंट से करते हो तो यू विल ऑलवेज गेट ए यूनिवर्सल सेट, तो यू आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट स्टेप देखिए, ए का तो ए लिख दिया, अब इस पे जरा देखिए, ये आपके पास कोई सेट है जो यहाँ पे रिप्रेजेंट है, इसको छोड़ के बाकी सारा पार्ट, और ये है यूनिवर्सल यानी कंप्लीट। तो इसका मतलब है ये आपके पास एक बड़ा सेट है यूनिवर्सल, यूनिवर्सल सेट तो खैर सबसे बड़ा ही है, और ये इसका एक पार्ट हो गया। तो अभी हमने देखा है कि जब भी स्मॉल सेट और बड़े सेट का हम लोग यूनियन देखते हैं तो हमेशा मुझे लार्जर सेट मिलता है, लेकिन जब मैं बात करता हूँ इंटरसेक्शन की तो हमेशा मुझे कौन सा सेट मिलेगा, छोटा सेट मिलेगा। तो अगर एक बड़ा सेट है और एक छोटा सेट है, उसका इंटरसेक्शन अगर आप देख रहे हैं, तो हमेशा हमें कौन सा सेट मिलेगा, छोटा सेट मिलेगा, यानी कि ए का इंटरसेक्शन बी डैश यू ए के साथ हमेशा क्या मिलेगा आपको, एक ये छोटा सेट मिल गया। नाउ अब यहाँ पे देखिए, ए क्या है मेरे पास, चलिए एक और बना लेते हैं अपन, ए हो गया ये वाला पार्ट, ये वाला सेट, ये वाला सेट ए, और बी डैश यूनियन ए। तो
ऑटोमेटिकली है दिस इज अ स्मॉलर सेट और ये आपका लार्जर सेट होगा, क्योंकि इसमें यूनियन है तो ए के एलिमेंट तो आएंगे ही आएंगे, बी डैश वाले एलिमेंट भी आ जाएंगे। तो अभी डिस्कस किया कि जब एक छोटा और एक बड़ा सेट होता है तो हमेशा उसका इंटरसेक्शन छोटा सेट देगा, तो यानी कि इट विल बी ए। तो इस तरीके से ये हम लोगों का डन हो गया। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा कहानी। दो से तीन बार डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग जाएगा और उस वजह से उससे ये जो आसानी से आपका प्रूव हो जाएगा। अगर आप इसको रिपीट करके देखोगे एक दो बार और साथ साथ करके देख लोगे ना हर स्टेप, तो आपको समझ में जल्दी आएगा। नो डाउट एक बार आपको थोड़ी तकलीफ तो होगी लेकिन जल्दी ही वो दूर हो जाएगी अगर आप इसको सही तरीके से करके देखेंगे। तो ये चीज़ है। ओके चलिए, तो फिर अब आप करते हैं नेक्स्ट वन, सेकंड पार्ट टू करेंगे। इसको आप इरेज कर देते हैं, एक बार सेकंड पार्ट करेंगे हम लोग। चलिए सेकंड पार्ट करेंगे, इसको इरेज कर देते हैं। सेकंड पार्ट भी कुछ ऐसा सा ही है। अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 6 ही चल रहा है, इसको आप इरेज कर देते हैं। इस पार्ट में अगर जरूरत पड़ी तो दोबारा कर लिख लेंगे, साथ में प्रैक्टिस भी दोबारा हो जाएगी। सेकंड पार्ट में आपको प्रूव करना है ए का यूनियन बी माइनस ए के साथ करेंगे तो ए यूनियन बी मिलेगा। चलिए तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए राइट और लेफ्ट साइड उठाएंगे। ए का यूनियन बी माइनस ए के साथ, पिछले पार्ट में ए माइनस बी था और उसका एक फॉर्मूला था, अभी इसमें बी माइनस ए है तो उसका भी एक फॉर्मूला होगा। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर बी माइनस ए? बी माइनस ए का मतलब क्या होता है कि सारे एलिमेंट आने चाहिए बी वाले, लेकिन अगर कुछ ए के एलिमेंट है तो उनको हम लोग माइनस यानी कि ख़त्म कर देंगे। तो बी माइनस ए को हम लोग क्या लिखने वाले हैं, अब उस चीज़ की बात करते हैं। तो बी माइनस ए का मतलब ये हो गया बी का इंटरसेक्शन ए डैश के साथ, यानी कि जब आप B के एलिमेंट्स और A डैश के एलिमेंट्स का इंटरसेक्शन करोगे तो यू विल गेट B माइनस A। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, A का यूनियन B इंटरसेक्शन A डैश के साथ। अब यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि अब हम लोग पिछले पार्ट की तरह यहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और इस लॉ के अकॉर्डिंगली क्या चीज़ थी, ए का यूनियन बी इंटरसेक्शन सी के साथ। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, यूनियन इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो गया। 1 2 3 से अगर कर लेते हैं तो फिर कहानी ज़्यादा आसान रहती है। 1 2 3 से बंदा पजल नहीं होता। लो 1 2 3 लिख लिया, अब ले अप्लाई कर दो। तो पहले क्या करना है मुझे, 1 यूनियन 2 यानी कि ए यूनियन बी ब्रैकेट, फिर इंटरसेक्शन 1 यूनियन सी यानी कि ए यूनियन सी मतलब ए डैश। बड़ा आसान हो गया, बिल्कुल भी गलत होने के चांस नहीं रहते 1 2 3 से। अब ए यूनियन बी तो एज इट इज लिख दो, इसका तो आप कुछ लिख नहीं सकते फर्दर। ए और ए डैश का कॉम्प्लीमेंट और उसका यूनियन क्या होगा? अब आपको पता है अगर कोई सेट को उसके कॉम्प्लीमेंट से इकट्ठा कर दो तो सारे एलिमेंट आ जाएंगे, यानी कि ये बन जाएगा यूनिवर्सल सेट यू। तो इसको अपना क्या लिख देंगे, यू लिख देंगे। अब आपके सामने इसमें तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत है नहीं, अकेला ही सेट है ये यूनिवर्सल, चलो यू लगा ही लो क्योंकि कहीं यूनियन समझ लो इसको, ये यूनिवर्सल सेट है। अब ए यूनियन बी और यूनिवर्सल क्लियर है, यूनिवर्सल तो बड़ा सेट होगा, दिस इज द लार्जर सेट, और ये इक्वल भी हो सकता है या स्मॉलर भी हो सकता है, लेकिन कभी भी बड़ा सेट तो हो नहीं पाएगा ये। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, हमेशा बड़े और छोटे सेट में छोटा सेट आता है बनके, तो यानी कि ए यूनियन बी, और यही आपने प्रूव करना था। बस दो बातें ध्यान में रखनी होती हैं, अगर तो यूनियन
अगर आपके पास ए यूनियन बी है तो जो भी बड़ा सेट होगा वो आंसर बन के आता है, और अगर ए इंटरसेक्शन बी होता है तो जो स्मॉलर होता है वो लिख के आता है। आप इसको ए यूनियन यू लिखो तो बड़ा सेट हो गया यूनिवर्सल, और इसका लिखोगे ए होता है, ये लार्जर सेट होता है यहाँ पर, और इंटरसेक्शन में स्मॉलर सेट होता है। ये कहानी अगर क्लियर होती है तो समझना चीज़ों को बहुत आसान हो जाता है। ओके, तो बी पार्ट देखिए बहुत आसानी से हो गया, जल्दी हो गया, छोटा पार्ट था, ये खत्म हो गया। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ सेट यूज करनी है और मुझे शो करना है, यानी कि अगेन प्रूव करना है, टू शो ए का यूनियन ए इंटरसेक्शन बी के साथ एक इक्वल है। दो पार्ट्स हैं तो फर्स्ट पार्ट पहले हम लोग करते हैं इसको। चलिए, तो प्रॉपर्टीज ऑफ सेट यूज करनी है हम लोगों ने, यानी कि कोई एलिमेंट वगैरह लेट नहीं करना कि एक्स लेट एक्स बिलोंग्स टू दिस दैट, नो प्रॉपर्टीज। तो लेफ्ट साइड उठा लेते हैं अपन, ए का यूनियन ए इंटरसेक्शन बी के साथ, क्लियर है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा। अगेन क्या लगाएंगे हम लोग, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। पहले लॉ लिख लो, ए का यूनियन बी इंटरसेक्शन सी के साथ। तो क्या होता है हमारे पास, वैसे तो देखिए डायरेक्टली क्लियर हो रहा है कि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी में जब इकट्ठा कर दोगे तो बड़ा सेट बनेगा, दैट इज ए। लेकिन क्योंकि वो तो प्रूव ही करना है तो डायरेक्टली तो लिखेंगे नहीं, तो प्रॉपर्टीज का यूज करके लिखेंगे, तो इसीलिए प्रॉपर्टीज को ही यूज करके करना है प्रूव, कहीं सीधा ही लिख के आ जाओ सारा काटा लग जाएगा। अब जैसे मैंने बताया कि इसको हम लोग 1, 2, 3 की टर्म में लिख लो तो कन्फ्यूजन नहीं रहती, क्योंकि यहाँ पे ए बी सी नहीं है गिवन, तो 1 यूनियन 2 इंटरसेक्शन सी, 1 यूनियन 2 इंटरसेक्शन 1 यूनियन 3, ये मैं सी ले लेता हूँ, 3 आने, ठीक है। लो अब कर लो इसको इसी तरीके से, ये 1 हो गया, इसको सपोज 2 कर लो, इसको सपोज 3 कर लो, आप कहोगे कि सेम तो है, सेम है, लेकिन इस फॉर्मूले पे लगाने के लिए हमने इसको 1, 2, 3 नाम दे दिया। पहला क्या है, 1 यूनियन 2, यानी कि ए का यूनियन ए के साथ, फिर इंटरसेक्शन पे आ गए, 1 यूनियन 3, तो ए यूनियन बी, हो गई कहानी। ए का ए से यूनियन करोगे ए ही आता है, अगर कोई सेट है उसी का यूनियन उसके साथ कर दोगे तो सेम ही आएगा, इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। अब देखिए आपका ए यूनियन बी है और ये ए है, क्लियर है, ए यूनियन बी में ए के एलिमेंट तो होंगे ही होंगे, बी के एलिमेंट भी आ जाएंगे, तो यानी कि ये वाला जो होगा वो वाला बनेगा आपका लार्जर सेट, लार्जर मतलब बड़ा सेट, और फिर ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा स्मॉलर सेट। तो आसान है, अगर एक स्मॉलर और एक लार्जर सेट का इंटरसेक्शन आप लगाते हो तो यू विल गेट ए, आपको हमेशा छोटा सेट मिलता है, दैट इज ए, और यही हमने प्रूव करना था, मतलब आप यूनियन को इंटरसेक्शन में बदल दो और कहानी खत्म हो जाएगी। अब करेंगे हम लोग इसका सेकंड पार्ट, इसको इरेज कर देते हैं अपन, ईजी था ये, अगर प्रॉपर्टीज क्लियर है तो बहुत ही आसान होता है। नेक्स्ट है ए का इंटरसेक्शन, अब इंटरसेक्शन की बात कर दी, ए का इंटरसेक्शन ए यूनियन बी के साथ अगर हो तो वो एक इक्वल होगा, तो यहाँ पर भी लेफ्ट साइड उठा लो, ए का इंटरसेक्शन ए यूनियन बी के साथ, लो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा, पहले यूनियन का लगाया अब इंटरसेक्शन का लगाएंगे, कैसे, ए का इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के साथ, अब ध्यान से देखिएगा साइन पलट गए हैं वो बीच वाले, तो यहाँ पर भी वही हाल होगा, ए का बी से इंटरसेक्शन, फिर बीच में यूनियन हो जाएगा, फिर ए का सी से इंटरसेक्शन, इसको याद रखोगे 1 का 2 यूनियन 3, 1 का 2 से इंटरसेक्शन, फिर यूनियन 1 का 3 से इंटरसेक्शन, लो इजी है, कर दो जी।
तो वन ये वन हो गया, इसको टू इसको थ्री लेट कर लो, तो वन इंटरसेक्शन टू यानी ए का इंटरसेक्शन ए के साथ, फिर यूनियन वन का थ्री के साथ इंटरसेक्शन यानी कि वन का बी के साथ इंटरसेक्शन सॉरी हो गया। कोई भी सेट अगर खुद के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है तो वही आएगा सेट, तो यूनियन भी सेम आता है खुद का खुद के साथ और इंटरसेक्शन भी सेम टू सेम आता है और यूनियन ए का बी के साथ इंटरसेक्शन। अब क्लियर है यहाँ पर ये वाला जो सेट है वो एक स्मॉल सेट होएगा क्योंकि इसमें सिर्फ वही एलिमेंट आएंगे जो ए और बी में कॉमन है, और जो आपका सेट ए होगा वो ऑब्वियसली सी बात है एक बड़ा सेट होगा। या फिर अगर हम लोग बात करें पिछले पार्ट में प्रीवियस पार्ट में आपने यही चीज़ प्रूव की है कि ए का यूनियन ए इंटरसेक्शन बी के साथ क्या होगा, ए होगा, तो ये भी आप ऐसे भी लिख सकते हो कि प्रूव्ड अबव या प्रूव्ड इन फर्स्ट पार्ट, तो ये कहानी है जो आपको याद रखनी है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अगर आप इसको ऐसे बना के देखो थोड़ा सा, दिस इज सेट ए दिस इज सेट बी और ये बीच में क्या है कॉमन पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी, तो ए आपका ये रहा और ए इंटरसेक्शन बी ये रहा, तो इसका मतलब है ए इंटरसेक्शन बी तो बहुत छोटा पार्ट है और जो ए है वो एक बहुत बड़ा पार्ट है, तो जब आप इकट्ठे करोगे एलिमेंट तो ऑटोमेटिकली है एक बड़ा सेट मिलेगा दैट इज ए मिलेगा, तो दैट इज वाई ये इसका आंसर ए आ जाएगा और ये प्रूव करना था। तो ये हमारा नाइन्थ का सेकंड पार्ट डन हो गया। क्वेश्चन नाइन्थ नहीं सॉरी सेवन्थ क्वेश्चन, सेवन्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी डन हो गया। अब चलिए एट्थ पार्ट की तरफ चलते हैं, एट्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टोटल 10 क्वेश्चंस हैं तो हमारे 7 हो चुके हैं, मतलब दो क्वेश्चन आज कर लिए हैं हम लोगों ने, सो वी आर लेफ्ट विद एट्थ नाइन्थ एंड 10th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शो दैट अगेन मुझे प्रूव करना है दिस इज क्वेश्चन, मैं एक्चुअली मेरे पास ओल्ड एनसीईआरटी है तो उसके अकॉर्डिंगली नंबरिंग बार बार गलत हो रही है। कहते हैं कि ए का इंटरसेक्शन बी के साथ है और वो ए इंटरसेक्शन सी के इक्वल है और दिस इज गिवन, ये गिवन है और आपको प्रूव करना है कि बी जो है वो नीड नोट ओके बी इज इक्वल टू सी नॉट ऑलवेज, या नॉट ऑलवेज का मतलब क्या, जरूरी नहीं कि बी और सी इक्वल होंगे, मतलब बी और सी कैन भी डिफरेंट, ये हमें प्रूव करना है। कर देते हैं तो बहुत ईजी है। सबसे पहले देखो कि हमें ए बी और सी एग्जाम्पल से करेंगे, हमें ऐसे सेट लेने हैं कि ए और बी का भी जो कॉमन आए एलिमेंट वो ए और सी में भी आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप ए को ए कोमा बी लेट करते हो, अब ए का बी से इंटरसेक्शन देखना है तो आप एक एलिमेंट कॉमन बना लो, लेट मी से बी बना दिया मैंने एलिमेंट और ये ए इंटरसेक्शन सी के इक्वल होना चाहिए। अब ए का बी से इंटरसेक्शन बी है तो फिर सी में बी का प्रेजेंट होना जरूरी है क्योंकि अगर करके दिखाता हूँ आपको, अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी निकालूँ तो व्हाट इज कॉमन बी एलिमेंट, अगर मैं ए का सी से इंटरसेक्शन निकालूँ तो बी अगेन कॉमन आ रहा है। इन्होंने ये कहा है ना कि ए का इंटरसेक्शन और ए का इंटरसेक्शन विद सी सेम आना चाहिए, तो सेम आ गया, तो क्या बी और सी इक्वल आए हैं, बी और सी इक्वल नहीं है, बी में बी कॉमा सी है और सी में बी कॉमा डी है, डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, तो इसलिए अगर ए और बी का इंटरसेक्शन ए और सी के इंटरसेक्शन के बराबर है तो इसका मतलब ये कभी भी नहीं है कि बी और सी इक्वल होंगे, कि ये इसके साथ कट कर दिया बी और सी बच गए, ऐसा कभी भी नहीं होगा। बी और सी कुड बी डिफरेंट, सेम भी हो सकते हैं लेकिन डिफरेंट है, ये हमें प्रूव करना था। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 8 डन हो गया, एग्जाम्पल से करेंगे तो हमारा प्रूव हो जाएगा आसानी से। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है कि ए और बी दो सेट हैं, तो ए और बी दो सेट हैं हमारे पास और ए का एक्स के साथ इंटरसेक्शन बी के एक्स के साथ वाले इंटरसेक्शन के इक्वल है, दैट इज फाइव, फाइव मतलब नल सेट, इसका मतलब है ए और एक्स में कुछ भी कॉमन नहीं है और बी और एक्स में भी कुछ भी कॉमन नहीं है और
ए का जब एक्स के साथ यूनियन करेंगे और बी का एक्स के साथ यूनियन करेंगे तो वो इक्वल आएगा। तो हमें प्रूव करना है कि ए और बी जो है वो आपस में इक्वल है, और इन्होंने कुछ नहीं कहा हुआ कि आपने कैसे करना है, तो मतलब हमारी मर्जी है, हम लोग कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। इन्होंने एक हिंट दिया हुआ है, लेकिन हम लोग जनरल एक्स वाले मेथड से करेंगे। चलो शुरू करते हैं। पहले तो हमें ए और बी प्रूव करनी है इक्वल। आपको पता है दो सेट कब इक्वल होंगे? अगर हम लोग ये प्रूव कर दें कि ए जो है वो बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, तो फिर ये प्रूव हो जाएगा कि ए और बी दोनों सेट इक्वल हैं। तो हमारा यानी कि फोकस क्या है पहले पे? पहले हम लोग ये चेक करेंगे कि ए जो है वो बी का सबसेट है। तो मैं क्या करता हूँ, एक एलिमेंट लेट कर लेते हैं एक्स, जो कि सेट ए में बिलोंग करता है। एक्स एलिमेंट सेट ए में बिलोंग करता है। अब देखिए, अगर एक्स ए में हुआ तो इसका मतलब है ए यूनियन एक्स में भी वो होगा होगा, क्योंकि यूनियन का मतलब क्या होता है? यूनियन का मतलब होता है कि जितने भी एलिमेंट हैं सेट्स में वो सारे लिख दो। तो अगर एक्स ए में है तो ऑब्वियसली सी बात है वो ए यूनियन एक्स में पक्का प्रेजेंट होगा। अगर ये ए यूनियन एक्स में प्रेजेंट है तो इसका मतलब है ये बी यूनियन एक्स में भी प्रेजेंट होगा। क्यों? क्योंकि बिकॉज ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू बी यूनियन एक्स, ये गिवन है। अगर ए यूनियन एक्स में एक्स है तो फिर बी यूनियन एक्स में भी होगा, क्योंकि ए यू एक्स इज इक्वल टू बी यू एक्स। अब इसका मतलब क्या होता है कि ए बी में बिलोंग करता है या फिर एक्स के साथ बिलोंग करता है। यूनियन का मतलब यही होता है कि हो सकता है ये एलिमेंट बी में हो सकता है एक्स में हो, या हो सकता है दोनों में हो। लेकिन अब देखिए, बट एज ए इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू फाइव, ए और एक्स भी छोड़ दो, चाहे आप बी, चलो हाँ एक्स की बात करते हैं, ए इंटरसेक्शन एक्स फाइव है, गिवन है ना हमें कि ए का एक्स के साथ कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया एक्स कभी भी एक्स के साथ बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि एक्स किसमें आ रहा है? ए में आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर ए का एक्स के साथ इंटरसेक्शन नल सेट है तो मतलब कोई भी एलिमेंट कॉमन हो ही नहीं सकता। तो अगर एक्स ए में आ गया तो वो एक्स सेट में कभी भी नहीं आएगा। तो इसका मतलब है एक्स जो है वो कभी भी एक्स सेट का एलिमेंट नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है कौन सी कंडीशन सही गई कि एक्स जो है वो बी का एलिमेंट हो गया। तो एक्स ए में भी है एक्स बी में भी है, तो इसका मतलब है ए जो है वो बी का सबसेट है। तो ये पहली कंडीशन तो हमारी टिक लग गई कि ए जो है वो बी का सबसेट हमारा प्रूव हो गया, कि जो भी एलिमेंट ए में है वो बी में मिलेंगे ही मिलेंगे। अब सेट कंडीशन चेक करनी है सेकेंड। सेकेंड क्या है कि जो बी है वो भी ए का सबसेट है। चलो करें फिर इसको प्रूव। इसको पहले इरेज कर देते हैं अपन। ओके, अब हम लोग कोई एलिमेंट वाई लेट कर लेंगे, लेट वाई बिलोंग्स टू। अब मुझे बी को प्रूव करना है तो बी को पहले लिखेंगे। अगर कोई एलिमेंट बी में है तो ऑब्वियसली सी बात है वो बी यूनियन एक्स का पार्ट होगा। वाई, क्योंकि अगर वाई बी में आ गया तो यूनियन का मतलब है कि बी और एक्स वाले एलिमेंट लिखो। तो वाई अगर बी में है तो फिर वो बी यूनियन एक्स का भी पार्ट है, और हमें चाहिए ए, क्योंकि बी से कहानी शुरू हुई है, ए पे जानी चाहिए। तो अगर बी यूनियन एक्स है तो ये ए यूनियन एक्स के इक्वल भी होगा। वाई, क्योंकि बी यूनियन एक्स ए यूनियन एक्स के इक्वल है, ये हमें ऑलरेडी गिवन किया हुआ है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि वाई ए में भी हो सकता है या फिर वाई एक्स में भी हो सकता है। लेकिन कहानी का वही पहलू, एज बी यूनियन एक्स इज इक्वल टू फाइव, बी और एक्स में कुछ भी कॉमन नहीं है,
और अगर y b में है तो फिर y जो है वो x के साथ कभी भी नहीं हो सकता। तो फिर इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया y a सेट का पार्ट है तो y b का भी पार्ट है। तो इसका मतलब है जो भी एलिमेंट b में होगा उसकी प्रेजेंस a में होनी ही होनी है। तो इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे, जो b है वो a का सबसेट हो गया। तो b इज अ सबसेट ऑफ a, तो इस पे भी क्या लग जाएगी, टिक लग जाएगी। लग गया टिक। तो a b का सबसेट हो गया, b a का सबसेट हो गया। तो व्हाट कैन वी से, अपन लिख देंगे सो a इज अ सबसेट ऑफ b एंड b इज अ सबसेट ऑफ a, विच मीन्स a इज इक्वल टू b, और ये हमारा प्रूव हो गया। क्वेश्चन मुझे भी पता है कि थोड़े से घुमाने वाले हैं दिमाग, मेरा भी दिमाग घुमा है, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे जितनी ज़्यादा उतना आपको चीज़ें कैच होती जाएंगी और एक स्टेज पे आके आप समझ लोगे कि ये ऐसे कैसे, यही क्यों हुआ, यही क्यों हुआ। तो है खेल तो, लेकिन हमें करना ही पड़ेगा, ये तो पार्ट हमारा सिलेबस का कह लें, ज़िंदगी का कह लें, तो इसीलिए चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट वन, टेंथ क्वेश्चन। दिस इज इजी, ये आसान है। इसमें क्या करना है आपको, हमने तीन सेट दिए हैं ए बी और सी, और ए यूनियन बी, ए यूनियन सॉरी इंटरसेक्शन नॉट यूनियन इंटरसेक्शन एंड बी इंटरसेक्शन सी नॉन एम्प्टी सेट है। मतलब ये तीनों में से कोई भी सेट फाई नहीं है, कोई ना कोई एलिमेंट प्रेजेंट है। तो हम लोगों को एक और कंडीशन देती है कि इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, ए बी और सी का इंटरसेक्शन फाई है, तो हमें कोई भी ऐसे सेट ढूंढने हैं। ध्यान से सुनिए, मुझे ए बी सी ऐसे सेट ढूंढने हैं कि जब मैं तीनों का कॉमन ढूंढता हूं तो मुझे कुछ भी कॉमन ना मिले, लेकिन अगर मैं उनका दो दो के पेयरिंग के साथ करता हूं तो फिर मुझे कोई ना कोई एलिमेंट मिलना चाहिए। लो चलो करते शुरू। सबसे पहले सेट ए को लेट करो, ए को लेट कर लेते हैं 1 2 3। अब यहां पे हमें सेट बी चाहिए, सेट बी में हमें कोई ना कोई एलिमेंट ऐसा जरूर चाहिए जो कि ए के साथ कॉमन आए। तो हम लोग एक एलिमेंट कॉमन उठा लेंगे, लेट मी से 4 उठा लिया, 1 4 5, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी जो है वो इज इक्वल टू 1 आ गया एंड इट इज नॉट इक्वल टू 5। ए का जब बी के साथ कॉमन उठाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एक एलिमेंट मिल जाएगा दैट इज 1। अब सी, अब जो सी है वो आप देखो ए के साथ भी कुछ ना कुछ कॉमन आना चाहिए उसका और बी के साथ भी। तो एक एलिमेंट ए का उठा लो, एक एलिमेंट बी का उठा लो, लेकिन ध्यान ऐसा रखियो कि वो एलिमेंट तीनों में ना आए। मतलब मैं बताता हूँ आपको, ए में से उठा लो 2, बी में से उठा लो 4 और एक उठा लो 6। अब देखो अगर मैं बी का सी से इंटरसेक्शन देखता हूँ तो मुझे क्या दिखाई देगा कि बी और सी में 4 कॉमन आ रहा है, यानी कि नॉट इक्वल टू 5। अगर मैं ए और सी की बात करूं तो मुझे क्या दिखाई देगा कि जो 2 है वो दोनों में कॉमन आ रहा है, नॉट इक्वल टू 5। लेकिन अगर अभी मैं तीनों में इकट्ठी नजर करूं, क्या तीनों में कोई भी एक एलिमेंट कॉमन आ रहा है, 1 इन दोनों में है यहाँ पे नहीं है, 2 इन दोनों में है यहाँ पे नहीं है, 3 अकेले में है, 4 इन दोनों में यहाँ पे नहीं है। तो इसका मतलब है तीनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। ऐसे अगर सपोज करो आपने 2 एलिमेंट उठा लिए होते, सपोज करो 1 2 उठा लिए, गड़बड़ हो गई ना। अब जो 2 है वो तीनों में कॉमन आ जाएगा, इसीलिए नहीं उठा सकते। क्या मैं 1 3 उठा सकता हूँ, देखो चेक कर लो, ए और बी में 1 3 कॉमन आ जाएगा, बी और सी में, अब देखो बी और सी में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि ये भी चीज़ पॉसिबिलिटी में नहीं आएगी। तो मतलब ये हो सकता है यहाँ पे चेंज करके वो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, लेकिन नहीं होगी क्योंकि फिर वो तीनों में कॉमन चला जाएगा।
तो ये एक एलिमेंट एक ही सेट में आएगा, तभी ये चारों कंडीशन एक ही बार में फुलफिल होंगी, अदरवाइज कोई ना कोई कंडीशन वायलेशन में चली जाएगी और हमारा आंसर गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हम लोगों का 10th क्वेश्चन डन हुआ। मिसलेनियस एक्सरसाइज आज समाप्त होती हुई, और इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 1 एज पर NCERT न्यू टेक्स्ट बुक कंप्लीट होता है। आई जस्ट होप आपको ये चैप्टर क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।